वेलकम बैक माय चैनल। आप देख रहे हैं चंदन रिपेयरिंग सेंटर का एक और न्यू वीडियो। तो आज हमारे पास ये डोंगचेंग का 801 मॉडल नंबर का एंगर ग्राइंडर है जो चलते चलते बंद हो गया, तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या कारण जिसके वजह से चलते चलते बंद हो गया है। ये जो भी चीज़ होगा मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक और शेयर करना ना भूले। अब वीडियो करते स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं 801 मॉडल नंबर का एंगर ग्राइंडर है जो डोंगचेंग कंपनी का है, का ओरिजिनल ग्राइंडर है। तो ये चलते चलते बंद हो गया, तो हम सबसे पहले हम इसको सीरीज में लगा के चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये बंद हुआ है कि नहीं है, ये हमें कंफर्म हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने सीरीज में वायर लगा दी लेकिन ये चल नहीं रहा है। अब इसको हम पीछे के दो नट को खोल लेंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या ख़राब है इसके अंदर। तो पेचकश की मदद से हम ये वाला पेंच खोल लेंगे, इस तरीके से दो पेंच लगे हुए अब देख सकते हैं। और हमारा दोनों पेज खुल गया है। अब इस ढक्कन को हम निकाल लेंगे इस तरीके से खींच के, तो अब देख सकते हैं हमारा ये ढक्कन बाहर को आ गया। अभी हमारा स्विच है और ये हमारा वायर है, तो सबसे पहले हम वायर को चेक कर लेंगे कि हमारा वायर ख़राब की वजह से हो सकता है बंद हो गया चलते चलते, और नहीं तो फिर स्विच की वजह से बंद हो जाता कई बार चलते चलते। तो हम सबसे पहले वायर को चेक करेंगे सीरीज की मदद से। हमारा ये दो पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, तो इस तरह देख सकते हमारा बल्ब जल रहा है। तो हम पहले इस वाला वायर को चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं एक वायर हमारा ये सही है, दूसरा हमारा ये वायर है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये वायर भी सही है। अब हम स्विच को चेक कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं हमारा स्विच भी ओके है। तो अब हम कार्बन चेक कर लेंगे। कई बार क्या होता है कि कार्बन ख़त्म हो जाता है, वो पता नहीं चलता कस्टमर को, और वो इसी कंडीशन में चलाते हैं जिसकी वजह से चलते चलते ग्राइंडर बंद हो जाता है। तो आज हम कार्बन भी चेक कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं इसके अंदर का कार्बन बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल भी कार्बन नहीं है जिसकी वजह से चले। तो इसको हम सबसे पहले कार्बन को चेंज कर लेंगे, फिर आगे देखेंगे इसको चला के। तो हम सबसे पहले इसमें से पुराना वाला कार्बन को निकाल लेंगे। तो पुराना वाला कार्बन निकालना बिल्कुल आसान है, हम इस छोटे से पेचकश की मदद से इसको हम इस तरीके से बाहर को निकाल देंगे और इसको इस तरीके से कर देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा सा रह गया कार्बन जिसके वजह से ये चलते चलते बंद हो जा रहा था। तो सेम इस तरीके से हम दूसरे वाला भी निकाल लेंगे इस तरीके से, और ये अपना नोज प्लास की मदद से हम इस कार्बन को निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं ये कार्बन है, एक कार्बन ख़त्म हो गया, तो इसके अंदर हम नया कार्बन डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये ऑटो पावर का 801 का कार्बन है जो काफ़ी अच्छा कार्बन होता है, तो इसको हम निकाल के इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं एक डब्बे में दो पीस। तो हम इस वायर को कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से, इन दोनों को कटिंग कर लेंगे और फिर इसके अंदर हम इस तरीके से रख देंगे और ये स्प्रिंग को इसको ऊपर से प्रेस कर देंगे इस तरीके से। ये हमारा एक तरफ का कार्बन लग गया, और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी कार्बन लगा देंगे इस तरीके से रख देंगे और इस वाला स्प्रिंग को इसके ऊपर हम बिठा देंगे। तो ये हमारा कार्बन लग के तैयार हो गया। अब इसको हम एक बार सीरीज में चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सीरीज में हमने लगा दिए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये ग्राइंडर ऑन हो गया जो पहले चल चलते बंद हो जाता था। अब इसको हम एक बार डायरेक्ट लगा के चला के चेक कर लेते हैं, फिर आगे पैक करके दिखाएंगे आपको। हमने इसको पावर पॉइंट में लगा दिया और अब इसको तो ये मेरा ग्राइंडर प्रॉपर वर्क कर रहा है। इसमें कार्बन की कमी के वजह से ये चलते चलते रुक जाता था, तो अब ऐसा नहीं है इसमें कुछ कमी क्योंकि हमने कार्बन को चेंज कर दी। अब इसको हम पैक कर देंगे और फिर आपको फाइनल रिव्यू आपको दिखाएंगे चला के फिर से। तो इस वायर को हम सेट कर देंगे इस तरीके से जहाँ पहले लगा हुआ था इस तरीके से, इस वायर को हम यहाँ पर सेट कर दिए। अब ये ढक्कन को हम पैक कर देंगे इस तरीके से जिस तरीके से हमने खोला था। अब देख सकते हैं हमारा ढक्कन प्रॉपर पैक हो गया। अब दो स्क्रू को हम रख के टाइट कर देंगे। और फिर इसको हम पेचकश की मदद से इसको टाइट कर देंगे इस तरीके से।
तो हमारा ये पेज फुल टाइट हो गया। अब मैं इसको फाइनल रिव्यू दूंगा इसको चला के। तो इसको हम पावर पॉइंट में लगा लिए और यहाँ से हमने ऑन कर दिए। अब इसको हम चला के देखते हैं। तो हमारा ये ग्राइंडर प्रॉपर बन गया, कोई कमी नहीं है। इसके कार्बन ख़त्म हो गया था। कई बार क्या होता है कि कार्बन अगर आप टाइम पे चेंज नहीं करते हैं तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे कि आर्मेचर या फील्ड ख़राब हो सकता है। अगर कोई भी इस तरीके से ग्राइंडर चलाते हैं, उसको अगर लगे कि हाँ चलते चलते बंद हो गया हो, तो एक बार उसको मिस्त्री को दिखा लेना ज़रूरी है। नहीं तो ये आर्मेचर ख़राब हो जाए तो 400-500 का खर्चा आ जाएगा और फिर भारी नुकसान हो जाएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।